तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गया हूं दोस्तों आपके लिए बहुत ही प्यारी इन्वेंटरी लेके। आज का जो हमारा घर होने वाला 86 गज में बना हुआ, पहले आप देखिए इसका पूरा एलिवेशन, बहुत ही प्यारा एलिवेशन है। और जो इसकी लोकेशन होने वाली है बिल्कुल दोस्तों लुधियाना हाईवे के ऊपर। तो जितनी भी इसके आगे दोस्तों आपको फ्रंट में रोड मिलने वाली है, वो भी दोस्तों 40 से 45 फीट की रोड मिलने वाली है। तो आप इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। तो ये देखिए रोड्स का व्यू, तो बहुत बड़ी बड़ी रोड्स मिलने वाली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए फिर आपको दिखाता हूँ इस घर का टूर। तो ये हमारा और इसके नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है, जहाँ पे आपका दोस्तों आपका पंप लगा हुआ है। और इसके नीचे भी आपको वाटर स्टोरेज टैंक मिलता है, यहाँ भी आपकी स्टोरेज है, एटलीस्ट 2000 लीटर का आपको यहाँ टैंक मिल जाता है। और इसके साथ आपको मिल जाती है 2 मीटर पार्किंग। इसका जो साइज होने वाला वो भी 11.6 × 4.6 का होने वाला है। और देखिए हर जगह ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है। और आप एलिवेशन में देखिए बहुत प्यारी दोस्तों टाइल्स लगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो स्टेयर्स आपको बाहर से मिलती है, तो इसका मतलब है आपको डे वन से रेंटल इनकम भी होने वाली है। तो ये आ गया हमारा दोस्तों किचन की विंडो, जो आपको विजिबल रहेगा आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो चलिए पहले चलते हैं हमारी ग्राउंड फ्लोर पे। मैच डोर आपको ये एज इट इज मिलने वाली है। और ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा एंट्रेंस डोर। और अंदर आते दोस्तों आप एक बार अंदर आते आपको लगेगा एक वाव फैक्टर तो आएगा। आपको डबल चार विट्रीफाइड टाइल्स मिलती है। और सबसे पहले देखिए पूरे आप ड्राइंग एंड डाइनिंग का व्यू। और जैसा घर आप देख रहे हैं दोस्तों आपको ऐसा ही ये मिलने वाला है। और इसका जो साइज होने वाला है 18 × 11 का, बहुत बड़ी विंडो देखिए वेंटिलेशन के लिए मिलती है। डाउन सीलिंग आपको मिलती है, फैंसी लाइट इंक्लूड हो जाएगी, आपको वॉल पेपर इंक्लूड हो जाएगा, आप अपनी पसंद का दोस्तों कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आ जाती है मॉडर्न किचन। आप पहले देखिए पूरी मॉडर्न किचन का व्यू। और जो मॉडर्न किचन का साइज होने वाला है वो है 9 × 7 का। डाउन सीलिंग अगेन आपको मिलने वाली है। और ये बहुत अच्छे साइज की किचन है। और जितनी भी नीचे टाइल्स लगी हुई है 32x64 की टाइल्स है, तो बड़ी टाइल्स है, लग्जरी फील आता है। और ये आपकी मॉडर्न किचन आपको मिलने वाली है। ऊपर देखिए दोस्तों ग्लास के साथ आपको कवर मिल जाते हैं, ये देखिए बहुत बड़े बड़े। और यहाँ पे आपको देखिए आपको सारी किचन सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलती है। आपका सिंक मिल जाता है, वॉइस प्रूफ सिंक मिलता है। ये विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। और जितनी भी आपकी सेंट्री फिटिंग है सारी सेरा ब्रांड की मिलने वाली है। यहाँ पे आपको चिमनी की प्रोविजन है। अगेन आपको ऊपर दोस्तों हाइड्रोलिक किचन मिल जाती है, ये देखिए। और सारी किचन है आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ, ये देखिए ये भी सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। गैस पाइपलाइन की आपको प्रोविजनिंग मिल जाएगी। तो ये है हमारा किचन एरिया। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम मिलते हैं। और यहाँ पे आ जाता है हमारा पहला बेडरूम। तो इस बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो है 12x10 का। तो ये देखिए बहुत प्यारा बेडरूम दोस्तों, वॉल पेपर देखिए बहुत ही प्यारा, डाउन सीलिंग देखिए नाइस का बहुत प्यारी लग रही है, फैंसी लाइट बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और ये बहुत बड़ा आपको टीवी पैनल मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी शोकेस की आइटम रख सकते हैं। और इसके नीचे भी आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने रिमोट वगैरह कुछ एक्सेसरी रख सकते हैं। और इसके साथ आपको पूरी वॉल के ऊपर आपके वार्डरोब मिल जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाती है, हमारी बताओ बहनों के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें आपको वार्डरोब मिलते हैं स्लाइडिंग के साथ, ये देखिए दोनों साइड पे आपको स्लाइडिंग के साथ मिलते हैं वार्डरोब। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, देखिए व्हाइट का और दोस्तों पीच कलर का, तो एक अच्छे इसको मैच करा गया है आपके वॉलपेपर के साथ। और इस रूम के साथ आपको अटैच मिल जाता है आपका वॉशरूम। और ये है हमारा अटैच वॉशरूम। जितनी भी आपको सेंट्री फिटिंग है सैनिटरी वेयर है सारा आपको सेरा ब्रांड का मिलने वाला है। और ये आ गया हमारा अटैच वॉशरूम। इसका जो साइज होने वाला है वो है 6x5 का। देखिए आपको बहुत बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, रूफ वाइसर टाइप मिलती है। और जितनी भी फिटिंग है आपकी सारी सेरा ब्रांड की, चाहे वो शावर है कोई भी एक्सेसरी है, सब कुछ आपको सेरा ब्रांड का ही मिलने वाला है। तो ये था हमारा पहला बेडरूम। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। और यहीं से हमारा आ जाता है सबसे ड्राइंग डाइनिंग में। और यहाँ आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। तो सेकंड बेडरूम का भी जो साइज होने वाला है वो अगेन 12x10 का होने वाला है।
ऑलमोस्ट सेम सिमेट्री फॉलो करी गई है। आपको डाउन सीलिंग देखिए हेडलाइट सब बहुत प्यारी मिलती है, ये आपका बहुत प्यारा वॉलपेपर मिल जाता है और फिर से आपको वार्डरोब मिल जाते हैं, अगेन रूम हाइट्स तक मिलते हैं। स्लाइडिंग है तो दोस्तों आपकी स्पेस की भी सेविंग हो जाती है और अगेन आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है और इसी के साथ साथ आपको मिल जाता है बहुत बड़ा टीवी पैनल भी। टीवी पैनल से दोस्तों नीचे भी आपको स्टोरेज मिलती है और टीवी पैनल में भी आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है। स्प्लिट एसी कूलिंग आपको हर जगह करके दी जाएगी और इस बेडरूम के साथ भी हमें अटैच मिल जाता है हमारा वॉशरूम और इस वॉशरूम का भी जो साइज होने वाला है वो है 6x5 का। अगेन सारी फिटिंग आपको सेरा ब्रांड की, बहुत बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, रूफ हाइट से टाइल रहा है तो सिंगल कपड़े का कोई इशू ही नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब चलते हैं हमारा एक रियर कोर्ट यार्ड में, तो ये हमें एक यहाँ से एक्सेस मिलता है रियर कोर्ट यार्ड का। तो ये आ गया हमारा रियर कोर्ट यार्ड, यहाँ पे आपको टैंक की बिजली मिलती है जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी कोर्ट यार्ड में आपको आपके दोनों वॉशरूम की और दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन भी मिलती है। इसका जो साइज होने वाला है वो है 7.6x5 का। डक्ट एरिया दोस्तों वेंटिलेशन के लिए, तो बहुत अच्छा दोस्तों ये थॉट है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का व्यू। तो चलिए अब चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं हमें वहां क्या क्या मिलने वाला है। ये है दोस्तों हमारी स्टेयर केस जो जाती है हमारी फर्स्ट फ्लोर को। तो चलिए देखिए बहुत प्यारी ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है, इसकी रेलिंग लगी हुई है। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये आ गए हम अपनी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आते दोस्तों हमें बहुत अच्छे साइज की ये बालकनी मिल जाती है। तो इस बालकनी का जो साइज होने वाला है 20x6 का। तो देखिए दोस्तों एलईडी लाइट्स देखिए बहुत प्यारी बहुत अच्छी तरह यूज करी गई हैं और यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाता है, यहाँ भी आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से देखिए पूरे बाहर का व्यू। गेटेड सोसाइटी में आपको ये इंडिपेंडेंट कोठी मिलने वाली है। तो आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन में नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और हमें विजिट प्लान करें। बहुत प्यारी विंडो देखिए, बहुत बड़ी विंडो मिलती है और यहाँ से एक्सेस आता है हमारे फर्स्ट फ्लोर का। ये आपको पॉर्च एरिया मिलता है जिसका साइज होने वाला 6x4 का। तो अगेन दोस्तों सेम सिमेट्री जैसे आपको नीचे मिलता है वैसे ही आपको ऊपर मिलता है। ये हमारा इंटरेस्ट आया था हमारा ड्राइंग डाइनिंग, देखिए बहुत प्यारा डोर और सेम ऑलमोस्ट वही सिमेट्री आप देखिए इसका पूरा व्यू। फैंसी लाइट डाउन सीलिंग सेम दोस्तों वैसे यूज करी गई है और इसका जो साइज होने वाला है वो है 18x11 का। बहुत प्यारी डाउन सीलिंग फैंसी लाइट विंडो देखिए अगेन बहुत बड़ी वेंटिलेशन के लिए आपको मिलती है। आपको वॉलपेपर अगेन मिल जाता है, आप इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं और जो कुछ आप देख रहे हैं आपको ये एज इट ही मिलने वाला है। और फिर से हमारी आ जाती है मॉड्यूलर किचन, अगेन आप देखिए पूरे किचन के व्यू और बहुत अच्छे साइज की आपको एल शेप में किचन मिलती है। इसका जो साइज होने वाला है वो है 9x7 का। अगेन दोस्तों सेम सिमेट्री है जहां पे आपको आपके सॉफ्ट क्लोजर भी मिल जाते हैं, ड्रॉर यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है डबल सिंक, अगेन आपको ग्लास के साथ ऊपर वॉल मिल जाते हैं, कवर बहुत बड़े बड़े स्टोरेज है, यहाँ पे आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, सारी फिटिंग आपको सेरा ब्रांड की मिलती है, सारी प्रोविजनिंग आपको गीजर की चिमनी की प्रोविजनिंग करके दी जा रही है, आरओ की, ये आपका चिमनी का पॉइंट। तो सारी दोस्तों किचन बहुत बड़ी साइज की क्रिएट करके दी जा रही है ताकि आपका कोई भी सामान दोस्तों बाहर न रह पाए। फिर से आया था हमारा सेम दोस्तों जैसे नीचे था वैसे ही आपको ऊपर मिलता है, ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है। इसका जो साइज होने वाला है अगेन 12x10 का। आप देखिए डाउन सीलिंग एलईडी लाइट्स के साथ एज इट इज मिलती है, विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग मिलती है, आपको वॉलपेपर मिल जाता है बहुत प्यारा और अगेन आपको वार्डरोब मिलते हैं आपके रूफ हाइट तक स्लाइडिंग के साथ। देखिए बहुत ज्यादा आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है, ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है और इसी के साथ बहुत बड़ा आपको टीवी कैबिनेट मिलता है। टीवी कैबिनेट का भी देखिए दोस्तों जो मैच करा गया है का आपके वार्डरोब के साथ मैच करा गया है, नीचे आपको इसमें भी स्टोरेज मिलती है। तो इसी के साथ हमारा आ जाता है अटैच वॉशरूम, ये हमारा मिलता है अटैच वॉशरूम। इसका जो साइज होने वाला है वो है 6x5 का। तो आप देखिए एक बार पूरा इसका व्यू, जितनी फिटिंग है सारी आपको सेरा ब्रांड की ही मिलने वाली है। और इस वॉशरूम का जो साइज होने वाला है वो है 6x5 का, बहुत बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, जितनी फिटिंग आपको मिलने वाली सारी सेरा ब्रांड की मिलने वाली है, नीचे आपको एंटी स्किड टाइप भी मिल जाती है। तो ये था हमारा अटैच वॉशरूम। तो चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम में और
फिर से हम जाएंगे हमारे ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया में, वहां से आ जाता है एक्सेस हमारे फोर्थ बेडरूम का, और ये आ गया हमारा फोर्थ बेडरूम। अगेन दोस्तों इसका जो साइज होने वाला है 12x10 का, बहुत अच्छे साइज का, देखिए बहुत अच्छी सिमेट्री फॉलो करेगी, डाउन सीलिंग लाइट्स के साथ, फैंसी लाइट्स, स्प्लिट एसी यूजिंग, और आपका वॉलपेपर बहुत प्यारा। अगेन आपको रूफ हाइट तक आपके वार्डरोब मिल जाते हैं, देखिए बहुत प्यारे, और अगेन आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, बहुत जरूरी, चार बेडरूम में हमें ड्रेसिंग टेबल मिलता है, टीवी पैनल हमें चारों बेडरूम में मिल जाते हैं, देखिए एलईडी लाइट्स के साथ, और इसको मैच करा गया है आपके दोस्तों वार्डरोब के साथ, तो बहुत अच्छा दोस्तों लगता है, ऐसा घर दोस्तों डिजाइन किया गया, एक लग्जरी फील तो आता ही आता है। अगेन इसके साथ हमें वॉशरूम मिल जाता है, इस वॉशरूम का भी जो साइज होने वाला है वो 6x5 का, आप देखिए पूरे वॉशरूम के व्यू, सारी फिटिंग जितने भी मिक्सचर है, जो भी आपकी दोस्तों सैनिटरी वेयर है, सैनिटरी फिटिंग है, सारी आपकी सेरा ब्रांड की, विंडो आपको बहुत बड़ी मिलती है वेंटिलेशन के लिए, तो सब कुछ इसमें ब्रांडेड ही यूज करा गया है। तो ये था हमारा इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम, और अगेन इसमें भी आपको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमें ग्रियर कोट यहाँ पे मिलता है, मेज डोर भी आपको एलईडी मिलने वाली है, और ये आ जाता है हमारा ग्रियर कोट यहाँ, और इस कोट यहाँ का जो साइज होने वाला है वो है 7.6x5 का। अगेन आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए आपके दोनों बेडरूम्स की और दोनों आपके वॉशरूम की, तो डक्ट एरिया फिर से आपको ऊपर मिल जाता है, और ये आपको 4 BHK घर मिलने वाला है, 86 गज में बना हुआ, और ऊपर आपको दोस्तों रूफ टॉप पे बहुत अच्छा गार्डन भी बना के दिया जा रहा है, तो चलिए आपको वो भी दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारी टॉप फ्लोर पे, ये हमारी सेकंड फ्लोर है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, आप 2 BHK ऊपर और बना सकते हैं, बट हम आपको बहुत अच्छा रूफ टॉप गार्डन बना के दे रहे हैं, तो चलिए दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल गार्डन आपको दिखाता हूँ। तो हम पहुंच गए अपने सेकंड फ्लोर पे, तो ये आ गया हमारा बाउंड्री एरिया, तो यही पे आ गया था हमारा दोस्तों इस कोठी की बहुत ही ब्यूटी, ये देखिए बहुत अच्छी ब्यूटी है, सबसे दोस्तों इसका जो हमारा पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, ये देखिए आपको पूरी रूफ के ऊपर ऐसे गार्डन बना के दिया जाएगा, आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया, ये देखिए आप आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है, वुडन की टाइल्स लगाई गई है, और आप देख रहे हैं वॉल्स के ऊपर भी दोस्तों आपको एलईडी लाइट्स लगा के दी जा रही है, ताकि आपका नाइट का व्यू अच्छा रहे, आप ऊपर बारिश का मौसम एंजॉय कर सकते हैं, अपने दोस्तों ड्रिंक भी एंजॉय कर सकते हैं, हर जगह आपको एलईडी लाइट ऐसे ही लगा के दी जाएंगी, और यहाँ पे आपको एक ओपन किचन भी मिल जाएगी, देखिए एल शेप में आपको ओपन किचन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सिंक मिल जाएगा, अगेन सारी फिटिंग आपको सेरा ब्रांड की मिलने वाली है, यहाँ पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, और यहाँ पे आप अपना आउटडोर फर्नीचर रखें और अपनी ड्रिंक एंजॉय करें। तो अगर आप भी इस घर को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, सपोर्ट करें दोस्तों जितना हो सकता है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को, और कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।